दोस्तों, मेरे को बहुत प्यार मिला गुजरात के लोगों से। जितनी बार भी आता हूं, आप आज मैं देख रहा हूं दूर तक, जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को नमन करता हूं। मुझे पता चला कई लोग 10-10 बजे से आके बैठे हैं, कई लोग भूखे बैठे हैं। आपका इतना प्यार, आपका इतना सम्मान, मैं जिंदगी भर कुछ भी करूं आपका ये प्यार मैं लौटा नहीं सकता। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि सर, लोग आपको प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आप जनता के मुद्दों की बात करते हैं। अभी चुनाव आ गए, सारी पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले आके कांग्रेस को गाली देंगे, मेरे को गाली देंगे, ईशुदान भाई को, गोपाल भाई को, सबको गाली देंगे। बीजेपी वाले गाली देंगे कांग्रेस को, कांग्रेस वाले गाली देंगे आम आदमी, इसमें क्या रखा है? एक दूसरे को गाली देने से तो देश नहीं बदलेगा, एक दूसरे को गाली देने से तो गुजरात नहीं बदलेगा। ये हमें बेवकूफ बनाते हैं, हर चुनाव में हमें बेवकूफ बनाते हैं, हम इनको वोट डालते रहते हैं। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया, मैं देश बदलने के लिए आया हूं। मेरे को भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है। भारत दुनिया का नंबर वन देश ऐसे ही नहीं बनेगा, भाषणबाजी करने से नहीं बनेगा, केवल भाषण देने से नहीं बनेगा, गाली गलौज करने से नहीं बनेगा। हमें अपने स्कूल ठीक करने पड़ेंगे, हमें अपने बच्चों को रोजगार देने पड़ेंगे, हमें अच्छी बिजली देनी पड़ेगी, हमें अच्छी सड़कें बनानी पड़ेंगी, तब भारत दुनिया का नंबर वन देश बनेगा। अस्पताल बनाने पड़ेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाने पड़ेंगे, किसानों के मुद्दे, किसानों को समृद्ध बनाना पड़ेगा, तब भारत दुनिया का नंबर वन देश बनेगा। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जनता के मुद्दों की कई सारी गारंटी दी है। गारंटी मतलब जब भी चुनाव आता है ये पार्टियां आके बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, फिर चुनाव के बाद कुछ नहीं करते, जाके अपना ऐश करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, सारा खजाना लूटते हैं, फिर 5 साल बाद आके फिर वही वादे करते हैं। आम आदमी पार्टी झूठे वादे नहीं करती, हम जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी है। जब आप बाजार से टीवी खरीद के लाते हो, स्कूटर खरीद के लाते हो, वो कहते हैं 2 साल की गारंटी। अगर गारंटी पीरियड में माल खराब निकले तो माल वापस। मैं आपसे 5 साल की गारंटी मांग रहा हूं, 5 साल में अगर हम काम ना करें तो अगली बार हमें धक्के मार के बाहर निकाल देना, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो दोस्तों, पहली गारंटी, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैंने कहा कि गुजरात में 5 साल में हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता उसको हम 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग मेरे को गालियां देते हैं, कहते केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री। अरे हमारे बेरोजगार युवा बेरोजगार रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये कोई फ्री की रेवड़ी है? होना चाहिए कि रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख सरकारी नौकरी तैयार करेंगे, 10 लाख। गिनती कर लेना, 10 लाख से 1 लाख फालतू करेंगे, 1 नौकरी कम नहीं करेंगे, 1 लाख नौकरी फालतू करके देंगे आपको, 10 लाख नौकरी तैयार करेंगे। और ये जितने पेपर होते हैं सारे लीक हो जाते हैं, पेपर फूट जाते हैं। अब
अभी मेरे को एक तलाटी का पेपर 2018 में हुआ था, उस टाइम उन्होंने नहीं लिया, अब 2022 में होना था, अभी भी नहीं लिया। 32 लाख लोगों ने अप्लाई करा, इनसे एक पेपर नहीं लिया जाता, सारे पेपर इनके फूट जाते हैं। मैं आज आपको यहां से गारंटी देके जा रहा हूं, सरकार बनने के एक साल के अंदर जितने सरकारी पद हैं सारे पेपर करवा के सारी भर्तियां एक साल के अंदर पूरी करवाएंगे। और तलाटी का पेपर सरकार बनने फरवरी के महीने में तलाटी का पेपर हो जाएगा और अप्रैल मई के महीने में उनकी नौकरी लग जाएगी, सब लोगों को पोस्टिंग मिल जाएगी। ये जितने पेपर फूटते हैं इसके खिलाफ कानून बनाएंगे। अभी तक कितने पेपर फूटे, इन्होंने एक भी जांच नहीं करी, कोई जेल नहीं गया, कोई नेता जेल नहीं गया। हम सारी जांच कराएंगे। 2015 के बाद जितने पेपर फूटे सब लोगों को जेल भेजेंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता ना हो, सबको जेल भेजेंगे। 10-10 साल जेल की प्रावधान करेंगे, कानून बनाएंगे। जो पेपर फोड़ेगा वो बख्शेगा नहीं, बख्शा नहीं जाएगा, उसको 10 साल के लिए जेल भेजेंगे। दोस्तों हमने दूसरी गारंटी दी, बिजली की गारंटी। दिल्ली में आज लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री में बिजली मिलती है, जीरो बिल आता है, जीरो। मैं बोल रहा हूं जीरो तो उसमें बिल में लिखा होता है, जीरो। 24 घंटे बिजली, जीरो बिल, जादू है कि नहीं है? दुनिया में कहीं नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण का वरदान है मेरे को। ये जादू केवल केजरीवाल को आता है और किसी को नहीं आता। ये केवल अब हमारी पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में भी जीरो बिल आने लग गए, सबके जीरो बिल आने लग गए। गुजरात में सरकार बना दो, सरकार बनने के सरकार आवाज बहुत कम है इसमें, उधर से करूं मैं, उधर से। इधर से सामने दिख भी रहा है। गुजरात में सरकार बना दो, सरकार बनने के 3 महीने के बाद आपका जो बिजली का बिल आएगा वो जीरो आएगा। और जितने आपके पुराने बिल हैं, मेरे पास कई लोग आए, छोटे से कमरे में रहते हैं, एक बिजली का पंखा है, 2 ट्यूबलाइट है, एक छोटा सा फ्रिज है, एक टीवी है, उनका 10,000 रुपए का बिल, 15,000 रुपए का बिल। इतने महंगी बिजली है गुजरात के अंदर, इतनी महंगी बिजली है। तो लोगों ने कई कई महीनों से बिजली के बिल नहीं दे रखे, उनकी बिजली काट दी। हमारी सरकार बनेगी, पुराने सारे बिल माफ, पुराने सारे बिल माफ, और आने वाले समय में हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जैसा मैंने कहा, यह वरदान केवल मेरे को, पूरे देश में किसी कांग्रेस की सरकार ने जीरो बिजली नहीं दी, किसी बीजेपी की सरकार ने फ्री बिजली नहीं दी, पूरे देश में केवल 2 राज्यों में फ्री बिजली है, जीरो बिजली का बिल आता है, दिल्ली में और पंजाब में। और तीसरा, गुजरात में सरकार बनेगी, मार्च के महीने से आपके जीरो बिजली के बिल आने चालू हो जाएंगे। हमारी इतनी सारी मां बहनें आ जाई हैं, एक गरीब घर में, मैं बहुत सारी ऐसी बेटियों को जानता हूं जिनकी पढ़ाई छूट जाती है। क्यों? 12वीं के बाद पिताजी के पास पैसे नहीं है, कॉलेज दूर है, जाने के लिए पैसा नहीं है, बेटी की पढ़ाई छूट जाती है। मैं ऐसी बहुत सारी महिलाओं को जानता हूं, महंगाई की वजह से
पहले 2 किलो दूध लिया करते थे, अब उन्होंने 1 किलो दूध लेना चालू कर दिया, बच्चों को दूध कम पिलाना चालू कर दिया, सब्जी खानी बंद कर दी, एक टाइम की सब्जी कम खाते हैं। हमने तय किया है 18 साल की से ऊपर की हर महिला को हजार हजार रुपए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराएंगे हर महीने। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। पहले सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, गुजरात के भी सारे सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे। अब दिल्ली में गरीबों के बच्चे, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े वकील बन रहे हैं, अपने माँ बाप की गरीबी दूर कर रहे हैं। गुजरात में भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गुजरात के सारे सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। और ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, मचा रखी है कि नहीं मचा रखी है? जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, अनाप शनाप फीस लेते हैं। गुजरात के सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाएंगे, जिन्होंने ज्यादा फीस ली उनकी फीस वापस करवाएंगे और आगे किसी प्राइवेट स्कूल को अनाप शनाप फीस नहीं बढ़ाने देंगे। दिल्ली में हर आदमी के लिए हमने इलाज मुफ्त कर दिया सारा। 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली में, जितने भी, चाहे आपको कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी छोटी बीमारी हो, आपकी सारी दवाई मुफ्त, आपके सारे टेस्ट मुफ्त, आपका ऑपरेशन मुफ्त। 30 लाख 40 लाख रुपए भी ऑपरेशन के लगेंगे, सब मुफ्त है दिल्ली वालों के लिए। गुजरात के भी सारे सरकारी अस्पताल अच्छे करेंगे और सारे गुजरातियों के लिए, एक एक गुजराती के लिए, बच्चा, माँ बाप, बुजुर्ग, हर एक के, अमीर गरीब, सबके लिए पूरा इलाज मुफ्त होगा। और अब आते हैं किसानों की गारंटी पे। पहली गारंटी, हर बार सरकार MSP जारी तो कर देती है, इस फसल की ये MSP, इस फसल की ये MSP, लेकिन MSP पे बिक्री तो नहीं होती, बाजार के अंदर कोई खरीदता तो नहीं है उतनी, है कि नहीं है? हम फसलों को, अगर कोई किसान MSP पे अपनी फसल बेचना चाहता है, सरकार उसकी फसल खरीद करेगी, सरकार को बेच सकता है। 5 फसलों से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर साल उसको बढ़ाते जाएंगे। गेहूं, चावल, कपास, चना, मूंगफली, ये 5 फसलों से शुरू करेंगे। अगले साल से ये 5ों फसलों की MSP, अगर मार्केट में आपको MSP से कम दाम मिल रहा है, आप मंडी में सरकारी काउंटर पे जाओ, सरकार को बेचो, सरकार आपका MSP के दाम के ऊपर सारा माल खरीदेगी। दूसरी गारंटी, आज किसानों को रात को बिजली आती है, 2 बजे बिजली आती है, 3 बजे बिजली आती है, पाटिल साहब को 24 घंटे बिजली मिलती है, CM साहब को 24 घंटे बिजली मिलती है, किसानों को रात को 2 बजे मिलती है, ये तो नाइंसाफी है। अब किसानों को दिन में बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे अपनी खेती करने के लिए। तीसरी गारंटी, ये जो इन्होंने नया जमीनों का सर्वे कराया है, ये सारा सर्वे गलत है, इस सारे सर्वे को रद्द किया जाएगा और आपके साथ मिलके, जनता के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके दोबारा नया सर्वे करवाया जाएगा, आप सर्वे करोगे। चौथी गारंटी, जब फसल बर्बाद हो जाती है, एक किसान लुट जाता है बेचारा, उसको कुछ नहीं मिलता, उसने जितनी लागत लगाई होती है सारी डूब जाती है, आत्महत्या करने के लिए बेचारा बेबस हो जाता है, और कोई ये इंश्योरेंस कंपनी वाले
लटकाते रहते हैं, पैसा कोई नहीं देता, गलत तो नहीं कह रहा। दिल्ली में हमने नई योजना चालू करी, हमने दिल्ली के किसानों के लिए अगर फसल बर्बाद हो जाती है 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार मुआवजा देती है किसान को। जो दिल्ली में योजना लागू करी वही योजना गुजरात में लागू करेंगे, फसल बर्बाद होने पे 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उस किसान को मुआवजा दिया जाएगा। पांचवी गारंटी, नर्मदा बांध का जितना पूरा कमांड क्षेत्र है वहां पे एक साल के अंदर कोने कोने तक हम पानी पहुंचाएंगे ताकि किसानों को पानी मिल सके। और जो कर्जा माफी की गारंटी ईशुदान ने स्पेशल गारंटी दी है उस गारंटी को पूरा करेंगे। दोस्तों आज इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, एक आम आदमी से पूछो महंगाई क्यों हो रही है, कहता जी अपने आप ही हो रही है। अपने आप महंगाई नहीं होती, महंगाई अपने आप नहीं हो रही। पिछले 5-7 साल में इन लोगों ने इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए, अभी दही पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, गरबा पे टैक्स लगा दिया, इन लोगों ने गरबा भी नहीं छोड़ा। दोस्तों 75 साल में किसी ने भी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था, अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीज पे कभी टैक्स नहीं लगाया था, इन लोगों ने उस पे भी टैक्स लगा दिया। और इतना टैक्स लेते हैं, इतना टैक्स लेते हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। कभी आपने सोचा इतना इनके पास अरबों खरबों रुपया जो टैक्स का आ रहा है वो कहां जा रहा है? अरबों खरबों पता नहीं कितने, मेरे को तो उसके बाद आता ही नहीं, खरब के बाद सब मेरे को तो पता ही नहीं उसके बाद क्या होता है। इतना इनके पास पैसा टैक्स का आ रहा है वो कहां जाता है? इन्होंने अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ कर दिए। इनके अरबपति दोस्त हैं कुछ, इनके अरबपति दोस्तों ने बैंकों से कर्जे ले रखे हैं, बैंकों से कर्जे लिए इनके दोस्तों ने, उनकी नीयत पलट गई, उनको लगा साहब से बात करके, सरकार से बात करके कर्जे माफ करा लेते हैं। मैं जानता हूं एक आदमी ने 8,000 करोड़ का कर्जा लिया और उसको 300 करोड़ में छोड़ दिया, बाकी कर्जा माफ कर दिया। एक आदमी ने 5600 करोड़ का, 5600 करोड़ का कर्जा लिया, उसको 40 करोड़ में छोड़ दिया, बाकी सारा कर्जा माफ कर दिया। 10,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया इन लोगों ने दोस्तों का, 10,00,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया दोस्तों का। एक दोस्त आता है कहता है भाई साहब मैंने 5,000 करोड़ का कर्जा ले रखा है, मेरा माफ कर दो। तो ये मंत्री जी को बुलाते हैं, कहते हैं दही पे टैक्स लगा दो। तो दही पे टैक्स लगा देते हैं, जो सारा पैसा आता है उससे उस दोस्त का कर्जा माफ कर देते हैं। एक दूसरा दोस्त आता है कहता है 10,000 करोड़ का मेरा कर्जा माफ कर दो। ये मंत्री को बुलाते हैं, कहते हैं शहद पे टैक्स लगा दो। शहद पे टैक्स लगा देते हैं, जितना पैसा आता है उससे उसका दूसरे दोस्त का कर्जा माफ कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर कर्जा किसानों का माफ होना चाहिए कि अरबपतियों का माफ होना चाहिए? जिन जिन लोगों को लगता है अरबपति दोस्तों का कर्जा माफ होना चाहिए हाथ खड़े करो, जिन जिन लोगों को लगता है किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए हाथ खड़े करो। किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, इसलिए महंगाई हो रही है। अभी आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने एमएलए खरीद के सरकार बना ली, महाराष्ट्र में एमएलए खरीद के सरकार बना ली, अभी दिल्ली में भी आए थे,
20-20 करोड़ रुपए दे रहे थे हमारे एक एक एमएलए को, 800 करोड़ रुपए लेके आए थे दिल्ली में एमएलए खरीदने के लिए। अभी तक इन्होंने पूरे देश में 277 एमएलए खरीदे हैं, 277 एमएलए, 6,500 करोड़ रुपए खर्च करके। वो पैसा कहां से आया? वो आपका पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के ये एमएलए खरीदते घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर, इसीलिए महंगाई हो रही है। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, हम आपको महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, आपकी बिजली मुफ्त करेंगे, महिलाओं को 1,000-1,000 रुपए देंगे, आपके बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, आपका फ्री इलाज करवाएंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको महंगाई से छुटकारा केवल आम आदमी पार्टी दिला सकती है और कोई नहीं दिला सकता दोस्त। ऊपर वाले का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब महाभारत युद्ध हो रहा था, श्री कृष्ण जी के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी से उनकी सेना मांगी। अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे तो आप ही चाहिए, इनके पास पूरी सेना है, इनके पास पूरी ताकत है, इनके पास पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, सीबीआई है, ईडी है, हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण है, हमारे साथ उनका आशीर्वाद है। आज लोग मेरे से पूछते हैं, आम आदमी पार्टी 8 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी है, तेजी से पूरे देश में बढ़ रही है, 2 राज्यों में सरकार बन गई, अब गुजरात में सरकार बनने जा रही है, ये चमत्कार कैसे हो रहा है? ये चमत्कार इसलिए हो रहा है, दिल्ली में हमने 18 लाख गरीबों के बच्चों का भविष्य बना दिया, उनके मां बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, एक एक आदमी जो अस्पताल जाता है, जिसको फ्री में दवाई मिलती है, वो केजरीवाल को आशीर्वाद देके जाता है, दुआएं देके जाता है। गरीबों का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए आज आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो वोट मेरे को दे देना, और अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, तो वोट इनको दे देना। अगर आपको मुफ्त बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, अगर आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, तो हमें वोट दे देना, और अगर आपको गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार और लफंगई चाहिए, तो इन लोगों को वोट दे देना। मेरे पास कई लोगों के निवेदन आए हैं, हमने जब से पुलिस के साथियों के ग्रेड पे का मुद्दा उठाया और सरकार उस पे बोलने को मजबूर हुई, तब से मेरे पास कई सारे कर्मचारी लिख रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, होमगार्ड, ग्राम रक्षा दल, सागर रक्षा दल, एसटी कर्मचारी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी, 108 नंबर वाले कर्मचारी, चिकित्सा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, ये सब मुझे लिख रहे हैं, सर हमारा भी मुद्दा उठाइए। मैं आपका सबका मुद्दा उठाऊंगा, और केवल मुद्दा नहीं उठाऊंगा, सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर आपके सबका समाधान भी हम करेंगे दोस्त। जैसा ईशुदान भाई ने बताया, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, गरीब पार्टियां, फक्कड़ पार्टियां, ईमानदार पार्टियां, लेकिन हमारे पास आपका आशीर्वाद है, आपकी ताकत है। आज मुझे बताया गया, यहां पे एक एक गांव से, कई गांव से लोग आए हैं, अपने अपने गांव में जाना, गांव में चर्चा करना, ये सारी गारंटी की चर्चा करना, और एक एक आदमी कम से कम 100-100 वोट तैयार करना। मंजूर है? भारत माता की।